हेलो दोस्तों, आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है ड्यूल स्टार्टर के ऊपर कि ड्यूल स्टार्टर के हम पावर वायरिंग किस तरह से कर सकते हैं। और ड्यूल स्टार्टर बेसिकली 3 HP से 7 HP तक की मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। मैंने एक ड्राइंग के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से हम किसी भी ड्यूल स्टार्टर की पावर वायरिंग कर सकते हैं और इसमें हमारे कौन कौन से कंपोनेंट का यूज़ होता है। किसी भी स्टार्टर का सिंबल जो मैंने आपको एक ड्राइंग में बताया है वह इस तरह से होता है। किसी भी इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि स्टार्टर का सिंबल बना के बताओ, तो उस समय आपको ये सिंबल बना के उनको बताना है। आगे हम नेक्स्ट बात करेंगे इसकी पावर वायरिंग के बारे में। तो पावर वायरिंग में बात करने से पहले इसके कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं हम। हमें प्रोटेक्शन के लिए दो चीज़ों का यूज़ किया है, MCB का भी यूज़ किया है और OLR ओवरलोड रिले का भी यूज़ किया है। MCB जो हमारी होगी वह 3 पोल की पावर MCB होगी और थर्मल ओवरलोड रिले का यूज़ किया है। उसके अलावा हमने एक पावर कॉन्टेक्टर का यूज़ किया है जो ड्राइंग में हमने K1M के नाम से यहाँ पर डिनोट किया है। तो नेक्स्ट हम इसकी पावर वायरिंग के बारे में बात करते हैं। जो हमारी सप्लाई का सोर्स होता है 3 PS सप्लाई का सोर्स, उससे हम सप्लाई उठाकर जो हमारी पावर MCB है उसके इनपुट में कनेक्ट कर देंगे और जो हमारे MCB का आउटपुट साइड से हम वापस 3 PS सप्लाई कनेक्ट करेंगे और उस 3 PS सप्लाई को हम OLR के इनपुट साइड में कनेक्ट कर देंगे। फिर जो है उसको कनेक्ट में करके उसको हम कॉन्टेक्टर की साइड में कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे ड्यूल की पावर वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। जो हमारा 3 PS सप्लाई का सोर्स होगा उससे हम सप्लाई उठाकर जो हमारी पावर MCB है उसके इनपुट में कनेक्ट कर देंगे और जो पावर MCB से जो हमें आउटपुट मिल रहा है उसको हम हमारे कॉन्टेक्टर के इनपुट साइड में कनेक्ट कर देंगे और जो फिर हमारा कॉन्टेक्टर का आउटपुट है उसको थर्मल ओवरलोड रिले के अंदर कनेक्ट कर देंगे और जो फिर हमारा थर्मल ओवरलोड रिले से जो आउटपुट निकल रहा है उसको हम मोटर से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से बेसिकली जो हमारे ड्यूल स्टार्टर की पावर वायरिंग है वो कम्प्लीट हो जाती है। ओवरलोड रिले का यूज़ हम मोटर को प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं ताकि किसी भी अबनॉर्मल फॉल्ट की वजह से हमारे मोटर में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसीलिए हम थर्मल ओवरलोड रिले का यूज़ करते हैं। ये जो सर्किट ब्रेकर है उसका यूज़ हम भी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।